सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां, भांति भांति का पहनाव, क्या कुछ नहीं है विविधताओं से भरा हुआ, उसके बावजूद भी हमने एक लक्ष्य एक राह ये करके दिखाया है। आज जब हम भारत की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने एक जो बात कही थी उसको मैं जरूर स्मरण करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था, एवरी नेशन हैज अ मैसेज टू डिलीवर, एवरी नेशन हैज अ मैसेज टू डिलीवर, अ मिशन टू फुलफिल, ए डेस्टिनी टू रीच। यानी हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है जो उसे पहुंचाना होता है, हर राष्ट्र का एक मिशन होता है जो उसे हासिल करना होता है, हर राष्ट्र के एक नियति होती है जिसको वह प्राप्त होता है। कोरोना के दरमियान भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला और दुनिया को संभालने में मदद की, एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। जिस भावनाओं को लेकर के, जिस संस्कार को लेकर के वेद से विवेकानंद तक हम पले बढ़े हैं, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, ये कोरोना कालखंड में भारत ने इसको करके दिखाया है। और भारत ने एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में जिस प्रकार से एक के बाद एक ठेस कदम उठाए हैं और जन सामान्य ने उठाए हैं, लेकिन हम उन दिनों को याद करें कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दो विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था। मानव जात, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुए, सैन्य नहीं सहयोग, इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला, अनुभव ये निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लग गए। शांति की चर्चा बहुत हुई, लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए सैन्य शक्ति के लिए। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था, लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा,
कौन उसको इनिशिएट करेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता, भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता है, हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे, वो एक ताकत है लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्भर हैं, हम दुनिया के कल्याण के काम आते हैं। भारत जितना आत्मनिर्भर बनेगा और जिसकी रगों में सर्वे सुखिनः भवन्तु का मंत्र जड़ा हुआ है, वो जितना सामर्थ्यवान होगा मानव जाति के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भारत इस विचार को बल दें और ये हम मान के चले। ये किसी शासन व्यवस्था का विचार नहीं है, ये किसी राजनेता का विचार नहीं है। आज हिंदुस्तान के हर कोने में वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल सुनाई दे रहा है और लोग हाथ लगाते देखते हैं लोकल। ये आत्मगौरव का भाव आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत काम आ रहा है और मुझे विश्वास है कि हम सबकी सोच, हमारी नीतियां, हमारे निर्णय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी आवश्यक बदलाव हो उस बदलाव की ओर होने चाहिए, ये मेरा मत है। इस चर्चा के अंदर करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने कोरोना की चर्चा की है, हमारे लिए संतोष का विषय है, गर्व का विषय है।